नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। रोजाना बिहार की 10 प्रमुख खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना में फिर कोरोना विस्फोट, मिले 82 नए मरीज, बिहार में 91 नए पॉजिटिव से हड़कंप। बिहार यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन घोटाला, पार्ट 2 के 8000 छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने से रोका गया। जातीय जनगणना का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, नीतीश सरकार के फैसले पर फंस सकता है पेच। बिहार में 13120 पदों पर 8 साल बाद भी पूरी नहीं हुई बहाली, 28 जून को छात्र करेंगे आंदोलन। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जदयू का साथ, नीतीश कुमार ने समर्थन का किया ऐलान। बिहार में बालू खनन की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलते ही नीलामी की प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार के मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन जिलों में आज होगी बारिश। बिहार में कोरोना संक्रमण फिर एक बार तेजी से पांव पसारता दिख रहा है। सूबे में लगातार रोज नए मरीज मिलने लगे हैं। राजधानी पटना में फिर एक बार संक्रमण का खतरा सबसे अधिक गहराता दिख रहा है। मंगलवार को बिहार में 63 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि बुधवार को ताजा आंकड़े आए तो पिछले 24 घंटे में 91 नए केस पाए गए। वहीं संक्रमितों की संख्या भागलपुर में भी रोजाना मिलने लगी है। पटना के बाद भागलपुर में ही सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को मिली ताजा जानकारी में सुबह में 91 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजधानी पटना में फिर एक बार कोरोना विस्फोट हुआ है। पटना में 82 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अन्य मरीज दूसरे अलग अलग जिलों के हैं। पटना में अभी 298 एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना की बात करें तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब डराने लगी है। जून महीने में ही अभी तक 433 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, जबकि भागलपुर में पिछले 3 दिनों में 25 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। अन्य जिलों से भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। भागलपुर में बीते दिनों जेल कर्मी को भी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद प्रशासन अधिक सतर्कता बरत रहा है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2019-22 में नामांकित छात्रों के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर को 2-3 छात्रों को अलॉट कर पार्ट 1 परीक्षा में शामिल करा दिया गया। कंप्यूटर जब नहीं लिया तब कॉलेज कर्मचारी ने कुल 11 अंक के बीच में डॉट व स्लैश मार फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया। तब पार्ट 1 में मैनुअल तरीके से फॉर्म भरी गई थी। अब जब पार्ट 2 में ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटराइज्ड परीक्षा फॉर्म भरवाया जा रहा है, तब यह मामला पकड़ में आ गया। इसके बाद बीआरए बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने 8000 से ज्यादा छात्रों को फॉर्म भरने से रोक दिया है। वहीं रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा का आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है। इससे कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक में हड़कंप मचा है। फिलहाल जांच के दौरान जो मामला सामने आया है, इसमें चौंकाने वाले कई तथ्य सामने आए हैं। बिहार में नीतीश कुमार के राज्य स्तर पर जनगणना कराने का फैसला अब कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। बुधवार को सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में सांवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट अब सरकार के इस फैसले पर अपना फैसला लेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस नीतीश कुमार के इस फैसले पर ग्रहण लग सकती है। जातीय जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले को शशि आनंद नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये फैसला न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि इसके लिए आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला भी गलत है। याचिका में कहा गया है, बिहार सरकार ने 2 जून 2022 को मंत्रिमंडल की बैठक में आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए निकाल कर जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है और फिर 6 जून को राज्यपाल के आदेश से इसकी अधिसूचना जारी की है। ये असंवैधानिक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बिहार के सभी जिलों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2014 में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन 8 साल बाद भी ये बहाली अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हजारों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग के तरफ से इस बारे में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बिहार के विभिन्न विभागों हेतु 13120 पदों के लिए प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए जून 2014 में विज्ञापन निकाला था, लेकिन 8 साल बाद भी ये बहाली पूरी नहीं हो पाई है। मजबूरन अब छात्र 28 जून को बीएसएससी कार्यालय गेट पर आंदोलन करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जदयू का समर्थन मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना बहुत खुशी की बात है। द्रौपदी मुर्मू मूलतः उड़ीसा के रहने वाली है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा सरकार में मंत्री के रूप में अपने दायित्वों को बेहतर निर्वहन किया है। उसके पश्चात झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी उनकी भूमिका सराहनीय रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को इसके लिए हृदय से धन्यवाद। इधर जनता दल यूनाइटेड ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने की है। बिहार की नदियों में 1 जून से ही बालू खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद खनन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। यहां से ना तो बालू का खनन हो सकता है ना ही बिक्री की जा सकती है। करीब 22 दिनों से बंद खनन के बाद राज्य सरकार ने फिर से खनन की तैयारी करने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल अक्टूबर महीने से बालू खनन शुरू होगा। बालू घाट खनन नीति 2019 के तहत ही आवंटित होंगे। 28 जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। कोर्ट से अनुमति मिलते ही बालू खनन के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद अक्टूबर महीने से नदियों में खनन का काम भी शुरू हो जाएगा। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी पटना और शेखपुरा जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग केंद्र ने लोगों को अलर्ट किया है और मौसम को देखते हुए उनसे आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। विभाग ने कहा है कि अगर आप खुले में हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण लें। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बुधवार को किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जो 170 मिलीमीटर दर्ज किया गया। पटना समेत आसपास के इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने से तापमान में कमी आई है, जिसके कारण मौसम खुशनुमा बना रहा। मंगलवार को पटना में अधिकतम पारा 1 डिग्री गिरावट के साथ 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आरा का तापमान सबसे ज्यादा यानी कि 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके तहत उत्तर बिहार के 5 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं मुजफ्फरपुर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इन जिलों में 30 महीने के अंदर 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के 5 जिलों में अगले 30 माह में शहर से गाँव तक 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, जिससे करीब 7 लाख मीटर केवल मुजफ्फरपुर जिले में लगेंगे। इसको लेकर पटना में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने सिक्योर मीटर्स लिमिटेड कंपनी के साथ करार किया है, जिससे उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में 26 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। राज्य में नगरपालिका आम निर्वाचन में मेयर व डिप्टी मेयर के पदों पर सीधे चुनाव हो रहा है। ऐसे में राज्य की नगरपालिकाओं के मेयर के बाद पहली बार डिप्टी मेयर के पद पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। इधर सरकार द्वारा नवगठित उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगरपालिकाओं के गठन के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से चुनावी तैयारी करनी पड़ रही है। सरकार द्वारा 3 नवगठित सहित 10 नगरपालिकाओं के फिर से गठन की अधिसूचना 17 जून को जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 258 नगरपालिकाओं के निर्वाचन की तैयारी में जुटा हुआ है। इधर 3 नई नगरपालिकाओं के गठन के साथ ही राज्य में अब नगरपालिकाओं की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार द्वारा 17 जून को जारी 10 नगर निकायों की अधिसूचना के आधार पर मतदाता सूची के निर्माण और वार्डों का गठन का काम स्थगित कर दिया है। आयोग ने सरकार की नई अधिसूचना जारी होने के बाद कहा है कि नगर निगम सहरसा, नगर पार्षद झंझापुर और नगर पार्षद इस्लामपुर को उत्क्रमित किए जाने के कारण इन नगर निकायों में मतदाता सूची के नए सिरे से निर्माण को स्थगित कर दिया गया है। इन तीनों नगर निकायों में वार्डवार मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 28 जून को किया जाना था। ऐसे में अब
राज्य की शेष 81 नगर निकायों के मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन 28 जून को किया जाएगा। आयोग ने इसके साथ ही 7 नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन के कार्य को भी स्थगित कर दिया है। बिहार में देश विदेश से पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को कैबिनेट में पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5 सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। यह निर्माण कार्य पीपीपी मोड में अगले 3 साल में पूरा हो जाएगा। तीनों होटल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके निर्माण में 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इन तीनों होटल को मिलाकर 1075 कमरे होंगे, जहां पर्यटकों को हर सुविधाएं मिलेंगी। जल्द ही विभाग इस संबंध में निजी क्षेत्र में निर्माण के लिए आवेदन दिया जाएगा, ताकि यहां बड़ी बड़ी कंपनियां निर्माण कार्य में आएं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल भी मौजूद रहे। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें।